रखे ध्यान सपनों की उड़ान। स्वाधीनता संग्राम की एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी सरकार की ताकत को चुनौती दी। इतिहास के पन्नों में यह घटना काकोरी कांड के नाम से दर्ज है। ये कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। साल था 1923। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल सरीखे कुछ क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। मकसद था हिंदुस्तान को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। इस पार्टी के लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए डाके और लूट के जरिए धन इकट्ठा करते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष लोग मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी की ट्रेन डकैती इसी दिशा में पहला बड़ा प्रयास था। 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर HRA की बैठक हुई और काकोरी कांड की योजना बनाई गई। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल सके। बताते हैं कि काकोरी कांड के संबंध में अशफाकुल्ला खान ने इस ट्रेन डकैती का विरोध किया। उनका मानना था कि संगठन HRA अभी मजबूत नहीं है, ऐसे में सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। और हमारा दल इतना मजबूत भी नहीं है कि ऐसी दबिश झेल पाए। वैसे भी वो कौन सा हमें छोड़ने वाले हैं। लेकिन अंत में यह योजना बहुमत से पास हो गई। रामप्रसाद बिस्मिल पहले से ही रेकी कर चुके थे। 9 अगस्त 1925 को योजना के तहत 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को काकोरी से आलमनगर के बीच अचानक चेन खींचकर रोक लिया गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी तथा 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोल दिया और सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 क्रांतिकारी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत ढूंढा, मगर वो भेस बदलकर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देते रहे। क्रांतिकारियों पर 1.5 साल तक मुकदमा चलने के बाद 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया। इन क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी और बाकी को काला पानी व कैद की सजा सुनाई गई। आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। इसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। जाते जाते ये सरफरोश क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के जोर को ललकार गए थे।